में बात करने जा रहे हैं सीटेट 2018 का। आप सबको जानकारी होगा कि 9 दिसंबर को एग्जाम हुआ था, ऐसे में लाखों अभ्यर्थी अब रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन रिजल्ट जारी होने से पहले आप सबको जानकारी होगा कि ऑफिशियल आंसर की जो जारी की गई थी, इनमें अभ्यर्थियों ने कई प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज की है। और आपको बता दें कि 1 से 2 प्रश्नों पर मार्क्स जो है बढ़ना तय। देख सकते हैं कि नई दिल्ली सीटेट का रिजल्ट यानी कि सीटीईटी 2018 का रिजल्ट जल्द जारी कर दिया जाएगा। सीटेट परीक्षा के रिजल्ट अगले सप्ताह जारी होने की उम्मीद है। जी हाँ, आपको बता दें सीटेट 2018 परीक्षा का रिजल्ट अगला सप्ताह जारी होने की उम्मीद है। वहीं सीटेट परीक्षा के रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट cet.nic.in पर जारी किया जाएगा। उम्मीदवार इस वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। ये आपको बता दें कि NDTV का जो है ये आज का अपडेट है, NDTV इंडिया का, अभी चाहे तो चेक कर सकते हैं। और साथ ही हिंदुस्तान पेपर में ये खबर छपी है कि सीटेट 2018 का रिजल्ट जनवरी में ही जारी किया जाएगा। जी हाँ, जनवरी में ही सीटेट 2018 का रिजल्ट जारी किया जाएगा। और हम आपको पहले से भी इसकी जानकारी देते आए हैं कि सीटेट का रिजल्ट जनवरी के लास्ट तक जारी किया जाएगा या फिर फरवरी के प्रथम सप्ताह में, आप भी चाहे तो चेक कर सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि आंसर की में बदलाव हुआ है या नहीं, इसको लेकर के अभी तक जो है सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर किसी भी तरह की सूचना नहीं दी गई। आप सबको जानकारी होगा कि ऑब्जेक्शन करते समय जो नोटिफिकेशन वेबसाइट पर जारी किया गया है, इसमें साफ तौर पर दिया गया है यदि किसी प्रश्नों पर आपत्ति यदि सही पाया जाता है तो अभ्यर्थियों को फी जो है वापस कर दिए जाएंगे और इसकी सूचना वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक वेबसाइट पर ऐसी कोई सूचना नहीं है। लेकिन एक बात तय है कि 1 से 2 प्रश्नों में बदलाव होना, ये बात तय है। आपको बता दें कई वर्षों से सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो ऑब्जेक्शन करने के बाद नोटिफिकेशन नहीं आता है लेकिन मार्क्स बढ़ जाती है। फिलहाल इस अपडेट में बस इतना ही।